हम पागल हैं क्या? हम एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ मांगने आए, हालांकि इंसाफ मिल रहा है। या ये जो टाइम्स ऑफ कराची वाले हैं, ये टाइम्स ऑफ सिडनी वाले हैं, तनवीर जो है वो न्यूयॉर्क का शहरी है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तारिक मदीन साहब, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पाकिस्तान में कराची में कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसमें हम सब शरीके। ये बताइएगा, ये एहतजाज किस हवाले से और क्यों है? ये एहतजाज इसलिए कि हम सबका, मेरा, आपका, बाकी यहाँ जो लोग 300-400 लोग मौजूद हैं, हम सबका दिमाग खराब है, हम पागल हैं, हम सब उल्लू के पट्टे हैं और हमें नजर नहीं आता, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हम जो है ना बावली भेड़े, इसलिए कि हमारी पुलिस हमें बता रही है, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। हमारी पुलिस हमें बता रही है कि शहर के हालात बेहतर हैं, लाहौर से बेहतर है, इस्लामाबाद से बेहतर है। हमारा दिमाग खराब है, हम कहते हैं नहीं जी मुजाहरा करो, इस शहर के हालात ठीक नहीं, इस शहर की पुलिस नाकाम है। तो हम यहाँ पे पागल हैं हम सब के सब, हमारा दिमाग खराब है, तो हम ये एहतजाज करने यहाँ पे जमा हो गए, अपने पागलपन का मुजाहरा करने आए। हमारी पुलिस तो ये कहती थी नहीं जी हालात बेहतर है, यहाँ ये सब कुछ नहीं हो रहा। जो फुटेजेस नजर आ रही हैं, ये फुटेज दूसरे शहरों की, ये जो तनवीर वैली में ना, या ये जो टाइम्स ऑफ कराची वाले हैं, ये टाइम्स ऑफ सिडनी वाले हैं, तनवीर जो है वो न्यूयॉर्क का शहरी है, और वो जो फूड गार्ड था, वो फूड गार्ड जो है वो कहीं एजवेयर रोड पे मियां साहब के घर के आसपास कहीं पे मौजूद होगा, वेफेयर में मौजूद होगा। तो हम सब जो है वो इस वक्त हमारा दिमाग खराब है, हम पागल हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ मांगने आए, हालांकि इंसाफ मिल रहा है। हम ये देखते हैं कि इस शहर में अभी वो अफान मरा है शारे फैसल पे, या कुछ और लोग मरते रहते हैं अक्सर, मेरा अपना भाई मरा था। अच्छा, इस शहर में जब कोई मरता है ना, तो उसके बाद आता है 27 साल का नौजवान मर गया, फूड पैंडा वाला एक नौजवान लुट गया, वो लुट गया तो मुजाहिरा हो रहा है, वो बेचारा रो रहा है। हम ये समझते हैं ये जो हमारा मुजाहिरा इससे असर होगा, इन पे वो जो माँ सीना पीटती है उससे असर नहीं होता, वो जो उस नौजवान की बच्चियों के साथ तस्वीर आती है उससे असर नहीं होता। ये खबर आती है कि 4 महीने पहले शादी हुई थी, वो लड़की बेवा हो गई है 4 महीने के अंदर, इन पर उससे असर नहीं होता। यहाँ सड़क पे लाश नजर आती है, और वो जो लाश नजर आती है वो खूनम खून होती है, वो लहूलुहान होती है, इन पर उससे असर नहीं होता। हम कितने अक्लमंद हैं कि हम पूछ रहे हैं इन पे असर होगा, इन पे कैसे असर होगा? ये मानेंगे तो असर होगा ना, ये मान ही नहीं रहा। ये कह रहे हैं नहीं जी शहर के हालात बहुत बेहतर है। यहाँ वो जो 7 जब्बार डालमिया पे लुटा था पुलिस वाला, डीएसपी 8 लाख रुपए छिन गए। अब आप, मैं तो चाहता हूं अब आप कहें नहीं जी 7 जब्बार जो है वो युगोस्लाविया का शहरी है, डालमिया जो है वो हॉलैंड में एक जगह है, और नेशनल स्टेडियम कराची के पीछे हुआ है, नेशनल स्टेडियम कराची में नहीं है, नेशनल दुबई में है। मतलब इस तरह की हम ये बातें सुन रहे हैं, ये आपका फर्ज है कि आप वाटर बोर्ड के पैसे अदा करें, या आपका हक है कि आपको पानी मिले। आप बिजली का बिल देते हैं, आपको बिजली नहीं मिलती। हम गाड़ी का टैक्स देते हैं, इस शहर में सड़क नहीं है, इस शहर में गढ़े हैं चांद के जैसी सरफेस से, सड़क नहीं है। तो हम जो है वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हमें हमारा हक ये हुकूमत नहीं दे रही। ये जो बाकी चीजें ना, बिजली, पानी, गैस, सड़क, ये तो छोटी चीजें, तहफ्फुज नहीं दे सकते यार। तहफ्फुज जिसका आईन ने वादा किया है वो नहीं दे सकते, तो ये क्या दे सकते? ये हमें धक्का दे दे किसी जगह ले जाके, आगे थोड़ा सा आगे समंदर है, तो धक्का दे दे हमें। कहां नाकाम होती है पुलिस, नाकाम होती है हुकूमत, कीमत कौन अदा करता है? तनवीर वैली, इन टाइम्स ऑफ कराची, ज़ीशान, आम शहरी, आवाम, ये लोग अदा करते हैं। इनकी नाकामी कीमत हम अदा करते हैं, तो कीमत ये लोग अदा करें, ये होना चाहिए, ये कीमत अदा करें। छीनने वाले बेरहम है, और हुकूमत भी बेरहम है, पुलिस भी बेरहम है। जो आता है मुजाहमत मत करें, सस्ती चीज रखें, दे दें, ये हुकूमत नाकाम है। शौक पूरा करना, हक हलाल की कमाई से किसी अच्छी चीज का इस्तेमाल करना, इस शहर के लोगों का हक नहीं है।